तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे, आगे चल के भी बढ़िया रहना। तो आज हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी है जिसमें हम बात करेंगे टेक प्रो हर्स के बारे में। तो टेक प्रो हर्स ने अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो डाली जिसका टाइटल है हु इज टेक प्रो हर्स, एंड उस वीडियो में अपनी बचपन की कुछ फोटो भी शेयर करी है, एंड साथ में अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताए हैं कि उनका यूट्यूब जर्नी कैसा रहा शुरू से लेकर अभी तक। एंड टेक प्रो हर्स की फेसबुक के बारे में बात की तो उनका एक फोटो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जब बैकग्राउंड देख रहा हूँ यही उनका फेस है, मतलब क्लियर तो नहीं दिख रहा है बट हाँ दिख जा रहा है थोड़ा सा। एंड मैं उस वीडियो का छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ, फुल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते अपने अगली अपने बात करते हैं श्रेय आईटी के बारे में। तो दो साल पहले इनके चैनल पे स्ट्राइक आई थी जिसके बाद उन्होंने वीडियो डाली थी आई क्विट यूट्यूब, एंड उसके बाद बहुत सारे बंदों को लगा था कि फेक स्ट्राइक है, मतलब स्ट्राइक नहीं आई थी, एंड इनको हेट भी मिला था थोड़ा सा। एंड कल के ब्लॉग वीडियो में इन्होंने उसी के ऊपर बात की है और बताया कि वो सारी चीजें फेक नहीं थी, सच में स्ट्राइक आई थी। मैं इस वीडियो का छोटा सा पार्ट प्ले करता हूँ, आप लोग देख लो। ये बहुत सारे लोगों में था कि मैं जो उस वीडियो में रोया हूँ, मेरे वीडियो है टाइम टू से गुड बाय आई क्विट। इस वीडियो में टाइम टू से गुड बाय आई क्विट, इसे मैं नकली रोया। मैं इस सवाल को हमेशा इग्नोर करता था कि क्या बोलना क्या जवाब देना, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लगता था, पर्सनली मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ समझने वाली बात है, इसमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लगता है इसका भी देना पड़ेगा। देखो ये बात तो पहले 2 साल पुरानी है, ठीक है, और इस वक्त मेरी एज कितनी होगी, 16-17 साल का होगा मैं, और लिटरली मैं बच्चा था, ठीक है, बच्चा था, अभी भी बच्चा ही हूँ, कोई मैं बुढ़ा नहीं हो गया, मेरी कल की शादी नहीं हो रही है, लेकिन उस वक्त मैं और ज़्यादा यंग था, ठीक है, और मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कि मेरा चैनल मेरे से गायब हो रहा है, मैंने इतना टाइम लगाया, साल लगाया, वो मेरी आंखों के सामने से जा रहा है, तो मैं रो दिया था, इमोशनल हो गया था, भाई इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, मैंने देखा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ये स्ट्राइक पड़ रही है, लोग हेट दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इमोशनल हो गया और जो मेरे दिमाग में आया मैं वीडियो बनाया और रो के डाल दिया। भाई इतना नहीं सोचा मैं उस टाइम कि सिंपति मिलेगा, फिर सेकंड चैनल ग्रो हो जाएगा। सेकंड चैनल मैं उस वक्त इसलिए बनाया था क्योंकि बैकअप के लिए, एज अ बैकअप। आप उस टाइम जाकर देखो मैंने वीडियोज डाला भी नहीं था उस सेकंड चैनल पर, बहुत लोगों का कहना है कि मैंने पैसे के लिए बनाया, ठीक है मानता हूँ भाई पैसे के लिए बनाया, इस YouTube में इंडिया में जितने भी सब लोग आए हैं ना सब पैसे के लिए ही हैं, कोई फ्री का यहाँ पे दान करने नहीं आया है, मैं पैसे के लिए हूँ, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट क्रिएटर है वो भी पैसे के लिए है, सब पैसे के लिए हैं, संदीप माहेश्वरी सर को छोड़ के, विंगडी मोनेटाइज चैनल है, मतलब उन्होंने मोनेटाइज नहीं किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली अपने बात करते हैं बिंजत गेमिंग के बारे में। तो कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उसी टाइम पे कुछ यूट्यूबर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे जो कि अपनी स्ट्रीम में गाली वाली देते हैं। मैं उस वीडियो का छोटा सा पार्ट प्ले करता हूं, आप लोग देख लो। यूट्यूबर्स है अभी तो सुधर रहे, पहले बहुत सारे थे भाई, अरे ये जान अभी गाली दे रहे हैं। हाँ वो तो छोड़ो, जो गाली देने वाले यूट्यूबर है वो तो भाई धंधा कर रहे हैं उन गालियों से, भाई उनको मजा आता है, उनको लगता है कि ऑडियंस ना उनको अब देख रही है उन्हीं वजह से, भाई गलत बात है यार, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं स्ट्रीम्स में, हर बार मैच्योर लोग ही नहीं होते स्ट्रीम में, ज्यादातर गेम खेलने वाले जो छोटे ही होते हैं, वो सीधी सी बात है, ये तो जेन्युइन बात है। इंसान को ना थोड़ा अगर गाली भी देनी है तो इनडायरेक्टली दोस्त की सबको समझ ना आए, ऐसा मत कि तुम सीधे माँ बहन की गालियों पे उतर जाते हो भाई, वो चीज मेरे को थोड़ा गंदा लगता है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली एपिसोड से बात करते हैं पागल एमटन के बारे में। तो कुछ दिन पहले इनको बहुत ज्यादा ही हेट मिला था जिसके बाद इन्होंने फ्री फायर को ट्वीट कर दिया था, एंड बहुत टाइम के बाद अपने चैनल पे एक फ्री फायर की कल वीडियो भी डाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली एपिसोड से बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। अगर आप लोग मीम देखना पसंद करते हो तो आप लोग इनको जानते होंगे और अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो कल इन्होंने अपने रील्स में फ्री फायर के ऊपर रिएक्ट किया है, मैं आप लोगों को रील लेकर के दिखाता हूं। ये साले आजकल के नल्ले बिरका छपरी बिकमंगे चोर सीएम कतरे और साले चपल चोर खस्सी गलोने के बिकमंगे लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने फ्री फायर खेलते हैं ताकि उन कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये बिकमंगे चोर साले को ही कोठी बंगले वाले किसी अच्छे करके पढ़े लिखे लड़के हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना।
डॉक्टर उमर से बात करना चाहो तो मैं इंस्टा पे हूँ, इंस्टा का लिंक है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों देख लो, मिल जाता तो मैं फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल।